सो ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है. प्लस आई वांटेड टू लेट यू गाइस नो कि वहां पे सरोजिनी नगर में मुझे इस टाइप के नाइट सूट्स और भी जितने भी नाइट सूट्स थे उनमें इतने सारे कलर वैरायटी देखने को मिल रहे थे. हे यूनिकॉर्न्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज मी दीपिका श्रीवास्तव एंड यू आर वॉचिंग यूनिकॉर्न डिवाइन. सो एज आई प्रोमिस्ड बिफोर कि सरोजिनी नगर का 2022 कलेक्शन जो भी मैंने दिखाया था सरोजिनी नगर का, उसका मैं हॉल भी करूंगी. सो हियर आई एम विद सरोजिनी नगर हॉल. सो आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आइटम जो कि इस वीडियो के लिए मैंने रखा है. इसमें मैं सारे क्लोदिंग आइटम्स और कुशन लिया है मैंने, कुछ बैग्स लिए हैं, ये सब चीजें दिखाऊंगी. लेट्स जस्ट स्ट्रेट डाइव इनटू द वीडियो. सो आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द क्लोदिंग सेक्शन. तो इस बारी मैंने क्लोदिंग सेक्शन में उतना ज्यादा परचेजिंग नहीं किया जैसा कि हर बारी मैं परचेज कर लेती हूँ, बट फिर भी मैंने काफी इंटरेस्टिंग चीजें ली हैं. सो आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द वेरी लाइक फजीएस्ट थिंग इन दिस हॉल, विच आर दीज सॉक्स. ये इतने ज्यादा प्रिटी सॉक्स हैं और इतने ज्यादा सॉफ्ट हैं. एज यू कैन सी कितना प्यारा सा इसका लाइक कलर कॉम्बिनेशन है और प्लस इतना ज्यादा सॉफ्ट है, आई कांट टेल यू गाइज. तो ये मैंने एक फजी सॉक्स लिया है सरोजिनी नगर से, और जो दूसरा सॉक्स है वो है ये रेड एंड ग्रे के चेक में. ये तो मुझे इतना ज्यादा क्रिसमसी वाइब दे रहा था कि इसको मैंने अपने उधर जहाँ पे मैंने क्रिसमस डेकोर किया था वहीं पे ऐसे सॉक्स लटकाए थे फॉर सेंटा की सेंटा आएंगे इसमें गिफ्ट डालेंगे, बट कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं. तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. ये पेयर ऑफ टू है, मतलब सॉक्स दो होते हैं, ये दो और ये दो. तो ये मुझे 100 रुपीज़ के पड़े, ये दोनों मुझे 50 रुपीज़ के और ये दोनों 50 रुपीज़ के, काफ़ी अच्छी डील. सो अगर फजी चीज़ों की हम लोग बात करें तो आई एम गोना टॉक अबाउट नेक्स्ट फजीएस्ट थिंग जो कि मेरे पास है इस हॉल में, विच आर नाइट सूट्स. या मैंने इस बार नाइट सूट परचेज किया है, बट वो भी थोड़ा फजी और थोड़ा सा कोजी वाला. मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे सरोजिनी नगर से नाइट सूट्स परचेज करने हैं, तो इस बार जब मैं गई वहाँ पे तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा लाइक कॉटन मटेरियल में या तो फिर वुलन में ही फुल स्लीव का लूंगी, बट मुझे ये फजी वाला वहाँ पे नाइट सूट दिख गया. इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था. ये पूरा टैडी कलर का है जो लाइट ब्राउन कलर होता है, और इसको पहनने के बाद मैं प्रॉपर टैडी बियर लगती हूँ. तो दिस इज द अपर वाला ये टॉप जो कि पूरा ऐसे टी शर्ट स्टाइल में है. ये यहाँ पे छोटा सा यू शेप का गला है और ये बहुत ज़्यादा लाइक डीप गला नहीं है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट, क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा अगर यहाँ तक नेक रहता है और हवा भी नहीं पास होगी. और इसका स्लीव काफ़ी अच्छा खासा लंबा स्लीव है, और यहाँ पे ये ऐसे से थोड़ा सा दिया हुआ, थोड़ा सा हल्का इलास्टिक है सो दैट यहाँ पे ग्रैब कर ले, हवा ना जाए. और नीचे यहाँ आते आते ये प्रॉपर इलास्टिक दिया हुआ है कि ये नीचे से भी ग्रैब कर ले, नहीं तो कई बार क्या होता है काफ़ी ज़्यादा ऐसे खुला खुला रहता है तो हवा अंदर बाहर जाने का लाइक वो रहता है. तो ये प्रॉपर मतलब बहुत ढीला ढाला मुझे ये नाइट सूट आता है, और मुझे घर पे पहनने वाले कपड़े ढीले ढाले ही चाहिए होते हैं. तो ये रहा प्रॉपर ऊपर वाला सेक्शन, और लोअर इसके साथ सेम मटेरियल का सेम कलर का लोअर भी है जो कि आपको ट्राई ऑन में दिख जाएगा. काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ये दोनों सेट मुझे पड़े. और अगर प्राइस रेंज की बात करें तो इसका प्राइस वो 550 अप्रॉक्स कुछ बता रहे थे, बट ये दोनों मतलब कॉम्बो में मैंने लिया था 450 रुपीज़ का, मैंने बार्गेन करके लिया, और काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका. नेक्स्ट अप मैंने वहाँ पे जितने भी राउंड स्टॉल्स थे वहाँ पे जा करके कुछ चीज़ें देखी थी, तो मुझे ज़्यादा तो वहाँ पे चीज़ें नहीं मतलब लेनी थी. मुझे इस बारी लाइक बहुत ज़्यादा विंट्री वाला शॉपिंग नहीं करना था सरोजिनी नगर से, इसलिए मैं वो अवॉइड कर रही थी. बट मुझे वहाँ पे एक दो स्टॉल ऐसे दिखे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्कर्ट्स लगे थे, एंड ओ माय गॉड इतने अलग अलग तरीके के स्कर्ट्स लगे थे. तो मैंने क्या किया कि मैंने दो स्कर्ट परचेज की हैं फ्रॉम द स्टॉल, 100 रुपीज़ वाले जो स्टॉल होते हैं वहाँ से. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्कर्ट जो कि पूरा प्रॉपर ये ग्रीन कलर का है. ये वैसा वाला ग्रीन नहीं है कि बहुत लाइक एकदम चटकीला वाला एकदम अलग से जो पता चलता है, ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन काइंड ऑफ कलर है इसका, और बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी में है ये. और ये जो स्ट्रेचेबल क्वालिटी होती है वैसी सी है, तो अगर आप मतलब मीडियम साइज़ का है ये प्रॉपर, तो ये मैं जब पहनती हूँ तो ये प्रॉपर अच्छे तरीके से मेरे लोअर बॉडी को हग कर लेता है और प्रॉपर शेप पता चलता है, तो ये बहुत सेक्सी लगता है. ऊपर साइड से ये पूरा ऐसे वेस्ट है इसका, मोटा सा यहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ है, और नीचे ये ऐसे धारी धारी काइंड ऑफ बना है जो कि ये भी पूरा
इलास्टिक वाला है, और पीछे साइड में यहाँ पे ये ऐसे करके कट का ऑप्शन दिया हुआ है सो दैट चलने में कोई दिक्कत ना हो। ये थोड़ी पेंसिल वाली स्कर्ट है, तो ये नी लेंथ के नीचे तक आती है। सो हाँ, ये वाला स्कर्ट है, आपको इसका लेंथ जो है ट्राई ऑन में दिख जाएगा। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्कर्ट। और मैं अभी जस्ट मुझे याद आया कि ये मैंने मतलब दो स्टॉल बगल बगल में लगी थी, एक 100 रुपीज़ की थी और एक 150 की थी। तो ये वाला मैंने 100 रुपीज़ वाले में से परचेज किया था, जस्ट उसके बगल में मुझे 150 वाला स्टॉल दिखा, तो वहां से मैंने ये वाला स्कर्ट परचेज किया था जो कि ब्लू और व्हाइट के कलर में है। अगेन दिस इज अ विंटर कलर, जो कि ये डार्क ब्लू पूरा यहाँ पे है और ये व्हाइट कलर का है। ये पूरा ऐसे लाइनिंग वाले पैटर्न में बना हुआ है। यहाँ पे अगेन ये वेस्ट पे यहाँ पे ऐसे इतना मोटा सा इलास्टिक दिया हुआ है, और नीचे ये पूरा कपड़ा इलास्टिक वाला है सो दैट अच्छे से आपकी मतलब बॉडी पे पहनने पे बॉडी हगिंग होता है, शेप दे देता है अच्छे तरीके से। और ये भी पेंसिल स्कर्ट है, बट नीचे साइड में कोई भी यहाँ पे कट का ऑप्शन नहीं, मतलब कट वाला नहीं दिया है सो दैट मतलब ज़्यादा ये लंबी नहीं है, चलने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कट लगा रहता है तो थोड़ा आसानी होता है चलने में, बट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत ही अमेजिंग कलर लग रहा था इसका, इसीलिए मैंने परचेज किया, बिकॉज मुझे स्कर्ट उतना ज़्यादा अभी पहनना मतलब अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी मुझे ये दोनों स्कर्ट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था तो मैंने परचेज कर लिया है। तो क्लोथिंग सेक्शन में मैंने अपने लिए इतनी ही चीज़ें ली थी, प्लस मैंने एक लोअर लिया है जो कि मैंने अपने भाई के लिए लिया है। ये है लोअर डार्क ग्रे काइंड ऑफ कलर का, यहाँ पे पूरा ये इलास्टिक दिया हुआ है, और ये लाइक उतना ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं है और ना ही उतना ज़्यादा थिन कपड़ा है, उसको लाइक विंटर वाला नहीं चाहिए था लोअर। तो ये मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, वहाँ पे 200 का एक स्टॉल लगा था जहाँ पे विंटर के और समर के दोनों टाइप के लोअर्स लगे हुए थे, तो मैंने वहाँ से ये परचेज किया है। इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा लाइक प्रॉमिसिंग लग रहा है, और दोनों साइड पे पॉकेट्स दिए हुए हैं विथ ज़िपर, जो कि एक प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से। आई गेस कि उसको पसंद आएगा, वो पहनेगा, बिकॉज उसको लोअर चाहिए था, तो ये मैंने लिया उसके लिए 200 रुपीज़ का। नाउ क्लोथिंग सेक्शन इज ओवर, क्लोथिंग में इतनी सारी चीज़ें थी, नाउ इट्स टाइम फॉर सम अदर प्रोडक्ट्स। सो आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द गॉगल्स। सो मैंने वहाँ से सरोजिनी नगर से इस बारी दो गॉगल्स लिए हैं। मैंने पिछली बार भी दो गॉगल्स लिया था, एक ब्लैक वाला और एक ब्राउन कलर का, बट एक सैड स्टोरी है कि मेरा ब्लैक वाला गॉगल्स खो गया। वो कहाँ खोआ और कब खोआ वो आपको मेरे अपकमिंग व्लॉग वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा। मैं घूमने गई थी महाराष्ट्र, वहाँ पे खो गया है, कुछ बैक स्टोरी भी है, वो आपको उसी व्लॉग में देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और सो मैंने इस बारी भी परचेज किया, ये मैंने ब्लैक कलर का परचेज कर लिया है, बहुत ही एवेंजर काइंड ऑफ ये लुक इसका लग रहा था मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा स्टाइलिश सा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं ले ही लेती हूँ। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट गॉगल, तो ये रहा पहला वाला, और जो दूसरा है वो बहुत ही प्रिटी सा लाइक पिंक और ब्लैक के शेड में है। एज यू कैन सी ऐसे क्लियर टाइप का इसका ग्लास है, और यहाँ पे ये गोल्ड और ब्लैक के डिटेल में है, बहुत ही क्लासी सा लग रहा था, तो ये मैंने परचेज किया है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा। आजकल मुझे गॉगल्स का भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया है, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि इन दोनों में से मेरे ऊपर कौन सा लाइक गॉगल्स ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो ये दोनों मैंने सेम ही स्टॉल से खरीदा जहाँ से मैंने पिछली बारी परचेज किया था, उनके पास काफ़ी अमेजिंग कलेक्शन होता है, और उनके पास जितने भी कलेक्शन थे उनमें से ये दोनों मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर प्राइस रेंज की बात करें तो ये दोनों मुझे लाइक 500 में दोनों मिल गए थे, 250 का, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अमेजिंग है, इसीलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा डील लगा। सो नेक्स्ट अप मैंने एक फ़ोन कवर परचेज किया है सरोजिनी नगर से। ये जो बैंड है ये मैंने अपने से लगाया है, आई नो ये पूछ जैसा लग रहा है, बट मुझे ये इस टाइप का जो यहाँ पे एसेसरी लगता है वो चाहिए, बट सरोजिनी नगर में मिला नहीं, और ऑनलाइन मिल रहा है तो मैं श्योरली आगे चल के उसको ऑर्डर करूँगी, बट फिलहाल के लिए मेरे पास ये बैंड रखा हुआ था तो मैंने ये लव वाला बैंड लगा दिया है। सो दिस इज़ द फोन केस, और ये प्रॉपर मतलब ट्रांसपेरेंट है, बस इसके यहाँ पे ये लेवेंडर कलर का डिटेलिंग हो रखा है, लेवेंडर प्लस रोज गोल्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिनिमल और प्रिटी लग रहा था, तो ये मैंने परचेज किया। ये मुझे 120 का पड़ा था, एज यू कैन सी इस पूंछ को छोड़ करके।
सो नेक्स्ट अप मैंने कुछ बैग्स परचेज किए हैं, लेकिन ये लाइक स्टोरेज वाले बैग हैं। तो इस बार जब मैं सरोजनी नगर गई थी तो मैंने शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा कर ली थी और मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी सारी शॉपिंग करूँगी, और प्लस ये डील मुझे काफ़ी अच्छे में मिल गई थी। तो मैंने 4 बैग्स परचेज कर लिए, जो कि सरोजनी नगर में काफ़ी सारे भैया लोग लेके घूमते रहते हैं कि आप ये ले लो ये ले लो। तो ये मैंने बैग्स परचेज किए हैं। सो सबसे पहला है ये नेवी ब्लू काइंड ऑफ कलर का, बहुत ही प्रिटी कलर लग रहा है इसका। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है, और 2 तरीके के सरोजनी नगर में आपको इस टाइप के बैग्स मिल जाएंगे। एक इस टाइप का रैक्सीन काइंड ऑफ, और एक कपड़े वाला भी होता है। तो एक बहुत पहले मैंने कपड़े वाला लिया था, बट उसकी क्वालिटी लाइक बहुत बेकार निकली। एक बार मैंने धो दिया, उसमें कुछ गंदगी लग गई थी, तो उसके बाद उसका कलर भी उड़ गया था, प्लस वो अलग अलग जगह से उसका धागा निकल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला ट्राई करती हूँ, बिकॉज़ ये रैक्सीन का अगर इसमें गंदगी लगेगी भी तो आप कपड़े से पोंछ सकते हो, और ये वाला थोड़ा सा उससे महंगा मिलता है। ये 120 का उन्होंने बोला था, बट मैंने 4 लिया तो वो उन्होंने 80 रुपीज़ लगा दिया। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट बैग जो कि 80 रुपीज़ का मुझे पड़ा, और इतना बड़ा बैग है कि अच्छे तरीके से इसमें सारा सामान आ जाता है। ये रहा पहला कलर, और दूसरा ये रेड कलर का है। उनके पास रेड कलर था तो मैंने सोचा ठीक है ले लेते हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी ह्यूज बैग लगता है ये। अगर आपको स्टोर कहीं आप जा रहे हो बाहर और आपको काफ़ी सारा सामान रखना है, तो एक ऐसा ये हैंड बैग टाइप का भी रहता है तो काम चल जाता है। उसके बाद ये तीसरा है, ये थोड़ा सा लाइक काही कलर का है, ऑलिव डार्क ऑलिव काइंड ऑफ कलर है इसका, और ये भी सेम, चारों सेम है, बस कलर डिफरेंट है। एक ब्लू रेड और ये ऑलिव डार्क ऑलिव, और एक ये है ग्रे कलर का, सेम साइज और सेम क्वालिटी है चारों की, और ये चारों मुझे 80 रुपीज पर पीस पड़ा। सो लास्टली आई हैव दिस कुशन। तो मुझे 2 कुशन चाहिए था मेरे स्टूडियो के लिए, यहाँ पे एक जगह खाली था तो मैंने 2 कुशन के लिए ये जगह खाली करके रखा हुआ था। मेरे पास कवर ऑलरेडी था सीक्वेंस वाला, तो ये मैंने निकाल के रखा है सो दैट मैं दिखा सकूँ। इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट हाँ अगर आपको डेकोरेशन के लिए चाहिए या ऐसे रखने के लिए चाहिए तो इस टाइप का आप कुशन सरोजनी नगर से ले सकते हो। दिस इज़ वेरी फर्स्ट, और ये अभी काफ़ी अच्छा कुशन ही है। आई डोंट नो कि आगे चल के ये पूरा चिपक ना जाए, बट मैं इसको मतलब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इसको एज अ डेकोर पीस ही रखूँगी। सो हो सकता है कि ऐसा कुशन ही रहे। ये दूसरा वाला जिसमें मैंने ऑलरेडी कवर डाला हुआ है, ये सीक्वेंस वाला मेरे पास है, तो ये मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ये कवर के साथ ऐसा लगता है। और ये दोनों मुझे 200 के पड़े, और मतलब 100 रुपीस ईच, तो ये भी काफी अच्छा डील था। तो गाइस दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि मैंने इस बार सरोजनी नगर से परचेज किए। आज के लिए इतना ही। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड ईच टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।